Shai Sujan
अरे
Thank you.
है शबे आशूर के मातमदारों, आज आप अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? ये खाक के ऊपर अपने घर का आराम छोड़ के क्यों बैठे हो? तुम खाक पे इसलिए बैठे हो कि आज फातिमा मखदल में रहते हो। लगता है कि लोग ताना देंगे कि हुसैन को छोड़ के चले आए,
ऐसा करो नबी जादियों को अपने साथ ले जाओ, इन्हें मदीने पहुंचा देना, और अगर कोई ने चुरा ले तो कहना नबी जादियों को पर्दा बचाना था, इसलिए हम कर्बला से चले आए। कुछ पता न चला क्या अंधेरे में क्या हो रहा है। कुछ देर गुजरी, पहलू बदलने की आवाज आती रही, मगर कुछ मालूम न हुआ। अब जो शबा दोबारा रोशन हुई तो मंजर बदल चुका था। जो बूढ़े थे उन्होंने सर के अमामे खोद के कमर पर बांध लिए थे। जो बच्चे थे वो एड़ियों के बल खड़े हो गए थे। जो जवान थे उन्होंने तलवारें निकाल के अपनी गर्दनों पर रख ली थी। एक मुकर्रर का आदेश आदेश कहते हम चले जाए, मुस्लिम ने बिना सजा की आवाज आई, चले इसलिए कि बड़ा पुराना साथ था जो कर्बला में
सूरज का चेहरा सर्द था, इसलिए कि जानता था आज तक अजमल को देखा था, आज सीने में बच्ची का बाल देखना है, आज तक नासिर को देखा था, आज जमीन पर बिखरे हुए लाश के टुकड़े देखने हैं, आज तक दोनों मोहम्मद को देखा था, आज खून में डूबा हुआ चांद से चेहरे देखने हैं, आज तक हमारे बानी हाशिम को देखा था, आज कुर्र से जख्मी सर देखना है, कब्र में बाजू देखने हैं। दिन ढलता हुआ यहाँ तक के वक्त आया, अब सुनना अब सुनना, जब भी किसी की शहादत की खबर आती हुसैन दौड़े भूल जाते, हुसैन सोते ना पे सवार होकर जाते, उस शहीद को लाकर मख्तर में लिटाते। हुसैन हुसैन तीन दिन के प्यासे थे, और प्यास कैसी थी, अब मैं रुक रहा हूँ, रुक के पढ़ रहा हूँ, मेरा सुनना, कैसी प्यास थी। अजीजो अजीजो, जब किसी के चोट लगती है और जख्म से खून निकलता है तो प्यास बढ़ जाती है, इंसान को प्यास लगती है, यदि जब जख्मों से खून निकले तो प्यास लगने लगती है। जब कोई घोड़े पर सवार होकर घोड़ा दौड़ाता है तो गर्म हवा में अगर घोड़े की सवारी करे प्यास लगने लगती है। अगर किसी को कोई सदमा लग जाए, आपने देखा होगा ना, अगर कोई मर जाए किसी का तो मरने वाले के हिस्सा को कैसे तसल्ली दी जाती है, कहते पानी लाओ, इसे पानी पिलाओ, बहन है जिसे मालूम हो भाई मरने जाए और
था। अभी ये फौजी कह रहे थे कि हुसैन के डर के खाने में बैठ गए। हाँ बहन भैया मेरी एक तमन्ना पूरी कर दो। बहन बोला बिस्मिल्लाह। भैया एक ये तुम्हें मजबूर समझ रहे मजबूर, एक मरतबा इन्हें अल्लाह के दिल की ताकत दिखा दो। भैया इन्हें बता दो तुम शेर होना के बेटे हो। कहा चल बहन हुसैन एक मरतबा चले। मगर मगर अजीब गरीब पर देखा जुल्मना ने एक कदम बढ़ा के अपना कदम रोक लिया। हुसैन जुल्मना के कान के पास अपना चेहरा ला आवाज आ रही थी। कुछ देर गुजरी आवाज आई हुसैन
तुम्हें अली अकबर का वास्ता तलवार रोक लो, शायद तुम्हें अब्बास का वास्ता तलवार रोक लो। बस एक मरतबा जंग करते करते फरात के किनारे गए, आवाज दी, अब्बास हाँ हाँ उससे रुका हूं सुनना। आवाज दी अब्बास, कोई जवाब न मिला। फिर आवाज दी अब्बास, कोई जवाब न मिला। तो एक मरतबा रकाबों पर जोर दे के उठे और कहा, भैया मुझसे नाराज हो गए, भैया मुझसे नाराज हो गए। मैं जानता हूं क्यों नाराज हो, इसलिए कि तुम्हें जंग की इजाजत नहीं दी। Thank you.
कल सुबह को लुट जाएगी जहरा की कमाई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। बातों से कहो खेमे में वो चैन से सो, हो जाएगी बेशीर की कल दूध बढ़ाई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब है। आज की शब हो जाएगी हम शक्ले पयंबर से जुदाई। ये आखिरी शब है, ये आखिरी शब सरहाने। माशम लिए बैठी है कासिम के सरहाने, ममता के बहाने हो जाए
Bye.
السلام علیکم یا آقا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام